पूजा के नाम से एक बच्चे करे, मैम पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। आपके ब्रेन में मेमोरी स्टोर करने के लिए आप कह सकते हो एक डिफाइंड एरिया ही प्रेजेंट है, उतनी ही मेमोरी स्टोर होगी। जितना उसमें नई चीजें डालोगे, पुरानी चीज जो है वो फेड होती चली जाएगी। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास में एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे बॉक्स जो है वो इस साइड से ओपन है। तो एक बार में मान लो उस बॉक्स में 10 बॉल्स एक्युमुलेट करने की कैपेसिटी है। जब आप 11वीं बॉल डालोगे तो वहां से एक बॉल बाहर चली जाएगी। इन अ सिमिलर वे हमारा ब्रेन भी वर्कआउट करता है। तो पुरानी चीजें हम भूलते चले जाते हैं। जैसे पूजा, अगर मान लो आप अभी इस टाइम पे 12th के स्टूडेंट हो, तो 6th क्लास में आपने क्या किया था आपको याद नहीं होगा। इस टाइम पे आपको रीसेंट चीजें ज्यादा याद होगी। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप याद करना चाहते हो, क्योंकि नीट एग्जाम इज अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम, याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, विच इज आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा।